आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। और डेटाबेस के बारे में आप पहले बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं, मैं पहले बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं YouTube पर, तो वहां से आपने देखा और आपको काफी ज्यादा वो वीडियोस पसंद आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MySQL के बारे में। MySQL के बारे में अब तक कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया था। ये भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो जो लोग भी MySQL पढ़ते हैं वो लोग इस वीडियो से उनको लाभ हो सकता है। तो जो भी देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत ही इनिशियल स्टेज की MySQL की प्रोग्रामिंग आपको बताऊंगा। इससे पहले हम लोग SQL सर्वर पर भी बात कर चुके हैं, SQL सर्वर मैंने आपको सिखाया कि कैसे SQL सर्वर पर काम करते हैं, उसकी भी वीडियो आती रहेंगी। लेकिन आज की ये वीडियो खास तौर पर होने वाली है MySQL की। तो आपको जो भी समझना है, जो भी सीखना है, इस सीरीज में आप सीख सकते हैं, जो सीरीज में शुरू कर रहा हूं MySQL की। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे टेबल के बारे में, और टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें कंटेंट कैसे डालेंगे, क्या कोडिंग होगी, कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां चलकर के सीखते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। तो लीजिए, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब यहां से मैं सर्च कर लेता हूं MySQL, ये इंस्टॉल किया है मैंने। हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट पे चलना है और यहां पर आ करके सबसे पहले तो पासवर्ड एंटर करना है। तो यहां पर कनेक्ट होने के लिए मैं एंटर कर देता हूं अपना पासवर्ड, जो भी मेरा पासवर्ड है, और यहां पर जैसे ही एंटर करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, नीचे MySQL लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहां पर हमें एक डेटाबेस बनाना है। क्या बनाना है? डेटाबेस बनाना है। तो जो भी डेटाबेस बनाना चाहते हैं यहां पर उसका नाम देना है विद द हेल्प ऑफ कमांड, कमांड भी देना होगा। तो यहां पर लिखना होगा हमें क्रिएट डाटाबेस, तो ये लिख दिया क्रिएट डाटाबेस, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और यहां पर गैप देकर के उस डेटाबेस का नाम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम से डेटाबेस हम बना रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट लिख दिया और यहां पर सेमी कोलन दे दीजिएगा ताकि ये टर्मिनेट हो जाए। और सेमी कोलन देने के बाद जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का होगा, ये लिखा हुआ आएगा क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड। तो ये समझ लीजिएगा कि आपका डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब यहां पर लिखा हुआ आ रहा है MySQL, तो हमें इसी डेटाबेस का यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे यूज, ठीक है, और किसका यूज करना है? प्रोडक्ट नाम का जो डेटाबेस बनाया उसी का तो यूज करना है। तो यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ही लिखेंगे प्रोडक्ट और सेमी कोलन देंगे तो यहां पर वापिस से लिखेगा डेटाबेस चेंज। तो देखिए ये लिख रहा है डेटाबेस चेंज, तो ये इसका मतलब कि डेटाबेस चेंज हो गया आपका, आप जिस डेटाबेस पर काम करना चाहते हैं उस डेटाबेस में आ चुके हैं। तो अब यहां पर बनाने की बारी है टेबल, तो यहां पे लिखते हैं क्रिएट टेबल, कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम क्या देना है वो देख लीजिएगा, जो भी टेबल का नाम देना चाहते हैं उस टेबल के नाम से आप बना सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल मैं प्रोडक्ट ही नाम दे देता हूं, तो ये लिख दिया PRODUCT प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नाम से ये टेबल बनेगी, प्रोडक्ट नाम से ही डेटाबेस भी हमने बनाया था। अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी देंगे, तो ये लिखा मैंने प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा प्रोडक्ट आईडी, ये लिख दिया प्रोडक्ट आईडी। और यहां पर देंगे गैप, और यहां प्रोडक्ट आईडी कौन सा डेटा टाइप होगा, इंटीजर डेटा टाइप होगा, कौन सा डेटा टाइप होगा, इंटीजर डेटा टाइप, तो ये इंटीजर डेटा टाइप दे दिया हमने, ठीक है। अब इंटीजर डेटा टाइप देने के बाद क्या करना है, जैसे इंटीजर डेटा टाइप देंगे तो फिर आगे हमें और भी चीजें तो एंटर करवानी है, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम वगैरह वगैरह, तो यहां पर हमें देना होगा कॉमा, क्या देना होगा, कॉमा देना होगा। और यहां पे लिख देता हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर गैप मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये दे दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां पर नेम ऑफ प्रोडक्ट कितने कैरेक्टर्स का होगा, तो यहां पर मैं मैक्सिमम कैरेक्टर 40 यहां पे डाल देता हूं, आप जो भी आपको ठीक लगे वो डाल सकते हैं, जितना भी आपका हो, ठीक है। और फिर यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस की बात करेंगे, तो यहां पे प्राइस लिख देता हूं, और प्राइस को कौन सा डेटा टाइप रख देते हैं, प्राइस को रख देते हैं हम नंबर डेटा टाइप, क्या रख देंगे, नंबर, ये रख दिया हमने नंबर। आप इंटीजर भी दे सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर भी दिया जा सकता है, आप नंबर भी दे सकते हैं, चलिए इंटीजर ही दे देते हैं, तो ये इंटीजर कर दिया हमने। तो कुछ इस तरीके से आपको कर देना है, ये बहुत आसान है, यहां तक तो बात समझ में आई होगी। तो ये हो गया, अब क्या करना है, अब इतना देने के बाद इस ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, इस तरीके से क्लोज करिएगा, ठीक है। और क्लोज करने के बाद क्या करना है, जैसे ही क्लोज करते हैं तो फिर यहां पर इसको करना है टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद अब हमें प्रेस करना है एंटर, क्या प्रेस करना है, एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा आपको, यानी आपका
जो डेटाबेस है वो बन गया है। अब इसको देखने के लिए क्या करना होगा, कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको लिखना होगा DESC, डिस्क्राइब करना होगा इसको। DESC एक कमांड होता है और इसी के थ्रू ये चलेगा। तो अब हमारे जो डेटाबेस था उसका नाम था प्रोडक्ट, तो यहां पे लिख दीजिए प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट लिखते हैं और यहां सेमी कॉलन दे देते हैं, तो देखिए ऊपर नाम हमने डेटाबेस का प्रोडक्ट ही दिया था, तो यही नाम दे करके और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस आपको यहां पर नजर आएगा, जो भी डेटा इसमें फिट किया गया है। जैसे प्रोडक्ट आईडी का इंटीजर टाइप था तो यहाँ पे आया हुआ है, नेम ऑफ प्रोडक्ट का कैरेक्टर टाइप था तो ये यहाँ पे आया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये टेबल बनी हुई है, देख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत ही इनिशियल स्टेज की वीडियो थी, तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे की वीडियोस के लिए वेट करते रहिए, आगे की वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।